राजवीर प्रधान की तरफ से बुना दिया कोई भी चमार उसकी डोर पे उसके समाधि पे उसकी ट्वेल पे कोई दिख गया 5,000 रुपए जुर्माने के होंगे और भाई 50 जूते होंगे। जनपद मुजफ्फरनगर में थाना गढ़खावल के अंतर्गत पावटी खुद गांव में राजवीर नाम के व्यक्ति द्वारा, जो स्वयं को राजवीर प्रधान के नाम से बुलाता है, एक गैर कानूनी व आपत्तिजनक जातिगत टिप्पणी करी गई व मारपीट की बात करी गई, जिसमें उस व्यक्ति व उसके एक साथी को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जा रहा है। इसी के साथ साथ भविष्य में उसके विरुद्ध गुंडागिरी के अंतर्गत भी कठोर कार्रवाई करी जाए। तुम हो गए करोड़पति, तुम हो गए जमीन जायदाद वाले, नहीं करना चाहते, तुम जबरदस्ती तो किसी से करा नहीं सकते। अब वहीं पर ये प्रॉब्लम आती है कि नहीं, ये पहले तो इनके पूर्वज जो थे हम उनको दबा लेते थे, मगर अब नौजवान जो साथी हैं वो नहीं दबने को तैयार हैं। अब ये तुम्हारा ऐसा काम करने वाले नहीं है जो पहले डरा के काम करते थे। अब तुम एक मारोगे तुम्हारे 50 मारे जाएंगे। तुम एक आदमी को अगर नहीं आने दोगे तो तुम्हारी पूरे कौम को नहीं आने दिया जाएगा। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, इनको समझ लेना चाहिए। वो नौजवान नहीं है, अम्बेडकरवादी नौजवान है, अपने अधिकारों को अच्छी तरह जानता है। कितने लोगों को मारोगे तुम, कितने लोगों को अत्याचार करोगे, अब भूल जाओ, अपने आप को पहचानो। अगर अपने आप को भी आज सही नहीं करा तुमने, तो तुम्हारे जो बुजुर्गों ने किया था और जो तुम आज कर रहे हो, तो तुम्हारे आने वाली संतानों को भुगतना पड़ेगा। एक मामला सामने आया है मुजफ्फरनगर चरथावल के पास का, जहाँ पे एक त्यागी समाज के व्यक्ति ने अपने गांव में ये अनाउंस करवाया है ढोल बजवाकर कि अगर दलित समाज यानी चमार जाति का कोई व्यक्ति उनके खेत पर या मेड़ पर, मतलब जो डोली होती है वहाँ पर भी अगर कोई गया तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना और 50 जूते मारने का फरमान जारी करवाया। क्या कहेंगे, हालांकि इसमें कार्रवाई हुई है, प्रशासन ने मुकदमा चुका जेल भेजा, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं अगर दिल्ली से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर निकल कर आती हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या माहौल होगा पूरे दलित समाज के लिए। देखिए, ये उस व्यक्ति की मानसिकता दर्शाती है। ये केवल एक व्यक्ति की मानसिकता नहीं है, ये समाज में ज़्यादातर जो मनुवादी लोग हैं उनकी मानसिकता ऐसी ही है, और उनको लगता है कि उनके बाप का राज चल रहा है, ये संविधान चल रहा है यहाँ पर। अब वो दिन लद गए हमेशा के लिए जब ऐसे लोग यहाँ पर राज किया करते थे। अब संविधान का राज है, कानून बने हुए हैं, अगर कोई भी ऐसा काम करेगा, कानून को तोड़ने का काम करेगा, तो उसको जेल जाना पड़ेगा। इस केस में भी जेल जाना पड़ा है। तो अब ये चाहते हैं कि जैसे गुंडागर्दी इनकी पहले चलती थी, लोग कोई सवाल नहीं पूछते थे, कानून का राज नहीं हुआ करता था, अब कानून का राज है, संविधान है, संविधान में बोला है कोई भी अनटचेबिलिटी करेगा, कोई भी जाति सूचक शब्द बोलेगा तो उसको आप सजा देंगे, उसकी FIR होगी, FIR होने के बाद में जेल जाएगा। तो ऐसे लोगों की मानसिकता बार बार दर्शाती है। ये वही लोग हैं जो एससीओं के लड़कों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे जाते, जैसे घोड़ी इनकी माँ है, बहन है, वो क्या है पता नहीं है, तो उन लोगों ये वो लोग हैं। और उन ऐसे ही वो लोग हैं जो दलितों को मंदिर में नहीं चढ़ने देते हैं, और ऐसे ही वो लोग हैं जो दलितों के अंगूठा काटने का काम करते थे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अंगूठा काटने का काम करते हैं, तो ये सोचते हैं कि ये लोग तो वैसे ही हैं। अरे, देश में निर्माण करने का काम, देश को बनाने का काम, देश में सड़क बनाने का काम, हर काम करने जो कर रहा है वो इस देश में शोषित वंचित समाज कर रहा है। और आप सोच रहे हैं कि वो आपके ऐसे चीज़ों से वो डर जाएगा, डरने वाला नहीं है। उनके जो लोग हैं वो जागरूक हो चुके हैं, संविधान को जानते हैं, अधिकारों को जानते हैं, वो अपने अधिकारों को मानते रहेंगे। और ऐसे लोगों को, पूरे गांव को मिलकर ऐसे लोगों का ही बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि ये सिविल सोसाइटी में रहने लग रही हैं, ये बीमार लोग हैं, इनको अपना इलाज कराना चाहिए। ये मेंटली इल है, मतलब बीमार है, इनका कोई मानसिक कुछ बीमारी हो सकती है इन लोगों को, तो इनको इलाज अगर कराया जाए, गवर्नमेंट को ऐसे लोगों का इलाज कराया जाए, और गवर्नमेंट इलाज होता है, इनका इलाज जेल में जाके अच्छी तरह हो जाता है, इन पर जो डंडे बजाए जाएंगे तो हो जाएगा इलाज इन पर। लेकिन ये तो लोग सामूहिक तौर पर इस बात को सामने ला रहे हैं कि अगर इस तरह की घटना कोई कर, मतलब इस तरह का कोई मामला करता है तो उसके खिलाफ क्या करेंगे ये लोग, 50 जूते मारने का ऐलान। और आप भारत में जगह जगह से इस तरह की घटनाएं निकल कर आती है। देखो, धीरे धीरे क्या है इसकी? देखो, वजह ये है कि वो आज भी मनुस्मृति को अपने जहन में रखे हुए हैं। वो जो गैर बराबरी की व्यवस्था थी, आज भी वो उससे देश को चलाना चाहते हैं। आज देश बदल चुका है, हम 2022 में जी रहे हैं, आज कंप्यूटर का युग, सोशल मीडिया का युग है,
आज जो नौजवान पढ़ रहे हैं अपने अधिकारों को जानने का काम कर रहे हैं, तो इनको लगता है कि जो ये लोग अपने अधिकारों को जानकर हम लोगों के जो पहले यहाँ पर ये नौकरी करते थे, हमारे यहाँ पे हम इनको शोषण करते थे, इनके साथ में बहुत कुछ अत्याचार करते थे, अब ये सहने के लिए तैयार नहीं है। अब इनके नौजवान साथियों पढ़ लिख कर तैयार हो चुके हैं, वो अपने अधिकारों को जान रहे हैं, नौकरियों में जा रहे हैं, IAS बन रहे हैं, PCS बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, सम्मान की भावना पैदा हो गई है, तो अब सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। तुम हो गए करोड़पति, तुम हो गए जमीन जायदाद वाले, नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते, तुम जबरदस्ती तो किसी से करा नहीं सकते। अब वहीं पर ये प्रॉब्लम आती है कि नहीं, ये पहले तो इनके पूर्वज जो थे हम उनको दबा लेते थे, मगर अब नौजवान जो साथी हैं वो नहीं दबने को तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं ये आइडेंटिटी की क्लैश होता है। तो उनको समझना चाहिए कि वो दिन बीत गए हमेशा के लिए, वो कभी लौट कर नहीं आएंगे, अब सब समान हैं, और अगर कोई ऐसा कुछ करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा, जो बार बार जवाब दिया जाता है। महज एक फसल न काटने पर इस तरह का अनाउंस किया गया, इस तरह के जो मामले हैं काफी जगह पर होती हैं, लेकिन बहुत सी घटनाएं सामने आ जाती हैं, लेकिन बहुत सी नहीं। दलित इनके बाप के नौकर हैं क्या, इनका काम करेंगे, नहीं करते काम, अपनी मर्जी से काम करेंगे, जो करना नहीं करना। अब मुझे लगता है थोड़े दलितों को ये जितना भी काम करते हैं, ये झाड़ू लगाने का, नाली सब छोड़ देना चाहिए, बड़े बड़े काम करो ना, क्यों कर रहे हो ये काम, है कहीं लिखा हुआ है क्या ये लोग काम करेंगे, नहीं करें, अपने बच्चों को पढ़ाओ, बस पढ़ाई की तरफ ध्यान रखो, ये लोग उल्टे काम करेंगे ना, ये इनको काम करना चाहिए, देश में ये नहीं रहते क्या, ये देश को गंदा करने के लिए तैयार हैं क्या, काम ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं काम कर, कहाँ से इनके पास इतना पैसा आ रहा है आप बताइए। ये लोग लूट लूट कर ये लोग इतने पैसे वाले बने हैं। इस देश में जो अधिकार मिलना चाहिए लोगों को, वो जो हिस्सा मिलना चाहिए, वो तो दिया ही नहीं कभी भी इस देश में। अब लोग हिस्सा मांग रहे हैं अपना, अधिकार मांग रहे हैं अपना, तो इनको चिढ़ होती है और इनको लगता है कि ये लोग तो इसीलिए बने हैं। अरे इसलिए नहीं बने भैया, ये लोग देश का प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश के चार चार मुख्यमंत्री, वकील, IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनने के लिए पैदा हुए हैं ये। अब ये तुम्हारा ऐसा काम करने वाले नहीं है जो पहले डरा के काम करते थे, अब तुम एक मारोगे तुम्हारे 50 मारे जाएंगे, तुम एक आदमी को अगर नहीं आने दोगे तो तुम्हारे पूरे कौम को नहीं आने दिया जाएगा, अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। इनको समझ लेना चाहिए, अब वो नौजवान नहीं है, अम्बेडकरवादी नौजवान है, अपने अधिकारों को अच्छी तरह जानता है। कितने लोगों को मारोगे तुम, कितने लोगों को अत्याचार करोगे, अब भूल जाओ, अपने आप को पहचानो। अगर अपने आप को भी आज सही नहीं करा तुमने, तो तुम्हारे जो बुजुर्गों ने किया था और जो तुम आज कर रहे हो, तो तुम्हारे आने वाली संतानों को भुगतना पड़ेगा। इसमें प्रशासन ने भी कार्रवाई की है? नहीं, प्रशासन कार्रवाई करेगा, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन तो कानून के माध्यम से चलता है, प्रशासन जहाँ जहाँ प्रशासन टाइट होता है ऐसे लोगों को जेल में डालने का काम करता है। अगर प्रशासन टाइट हो जाए, SSP जो अभिषेक यादव हैं उन्होंने इसमें तत्काल FIR करी है SSP के, नहीं होना चाहिए। देखो अगर प्रशासन तैयार हो जाए, प्रशासन अगर मजबूत हो जाए, तो ऐसे जो गुंडे हैं, ऐसे जो नीच मानसिकता के लोग हैं, ऐसे जो बीमार लोग हैं, उनका इलाज हो जाएगा। प्रशासन तो नहीं करता है ना, अगर किसी की बारात नहीं निकलने दी जाती, घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता, प्रशासन चाहे तो एक सेकंड में उसको जेल में पहुंचाओ और प्रशासन उसको सुरक्षा दे, क्यों नहीं होता। अभी गड़ाने के अंदर जिला बुलंदशहर में ऐसा ही हुआ था, पहले वहां पर गोली चली, कोई मर गया, उसके बाद प्रशासन वहां लगा, प्रशासन के बाद में वहां सब कुछ हुआ। प्रशासन ही तो ढील करता है, प्रशासन ही तो ऐसे गुंडों को संरक्षण करता है। अगर प्रशासन सही करे और कानून का सही पालन करे, तो एक भी इंसान इस देश में कोई भी जातिवादी नहीं करेगा। जातिवाद ही प्रशासन की वजह से, नेताओं की वजह से। अगर ये सारे लोग जितने बैठे हुए हैं, IAS बैठे हैं, PCS बैठे हैं, ये कमिश्नर्स बैठे हैं, पुलिस में बैठे हैं, अगर ये सही हो जाएं, तो यहाँ किसी की मजाल नहीं कि जो कोई यहाँ पर कुछ कर सकता है, ये इनकी वजह से हो रहा सारा। तो हमारे जो लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो इस देश में अमन चैन का राज लेके आना चाहते हैं, उन लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए, चाहे कोई भी किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का लोग होना चाहिए। ऐसे लोगों का भारत में, ऐसे लोगों का सिविल सोसाइटी में रहना खतरनाक है, इतना खतरनाक है जैसे एक फसल जंगल में अगर कोई कीड़ा लग जाता है ना, दीमक लग जाती है, तो दीमक से भी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं ये लोग। ये समाज को बर्बाद कर रहे हैं, भाईचारे को बर्बाद कर रहे हैं, ये संविधान की आत्मा को ख़त्म कर रहे हैं। तो क्या मतलब होना चाहिए, क्या प्रशासन इस तरह के और ठोस कदम उठा सकती देखो है, या सरकारों को लोगों को एजुकेशन देनी चाहिए, क्योंकि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। जब तक तुम लोगों को एजुकेशन नहीं दोगे, जब तक वो अपने अधिकारों को जान नहीं पाएंगे, कैसे अच्छे जीवन जीना है वो नहीं समझ पाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को आप एजुकेशन दे देते हैं और वो एजुकेटेड हो जाता है, तो वो अपना अच्छा और बुरा अच्छी तरह जान जाता है। आप जब तक लोगों को अनपढ़ बनाए रखेंगे और एजुकेशन देने के बाद फिर आप उसको रोजगार नहीं दे रहे, आप रोजगार देंगे उसको, आप उसको जो संविधान में अधिकार हैं वो देने का काम करेंगे, तो जो ऐसे लोग हैं
फिर उनका शोषण हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। एक गरीब व्यक्ति है जो इन्हीं के यहाँ काम करता है, इनको तो इतनी भी शर्म नहीं आती है। कुत्ते बिल्ली, ये कुत्ते बिल्लियों को मोहब्बत करते हैं, ये कुत्ते बिल्लियों को अपने घरों में अपने बेड़ों पर सुलाने का काम करते हैं, मगर जो इनके लिए काम करता है, इनके लिए मजदूरी करता है, इनके लिए सब कुछ काम करता है, उससे ये मोहब्बत नहीं करते, उससे नफरत करने का काम करते हैं। तो ये इंसान नहीं है, ये इंसान दिखाई देते हैं अंदर से पत्थर के दिल हैं लोगों के, क्योंकि इन्होंने इंसान का शोषण किया है। और हमारी लड़ाई, अम्बेडकरवादी लोगों की लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक इंसान का इंसान के द्वारा जो शोषण हो रहा है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी यही मानना था, माननीय काशीराम साहब का यही मानना था, जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका सबका यही मानना है कि हमारे सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति की लड़ाई है हमारी। तो आज भी सामाजिक में परिवर्तन नहीं हुआ, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली, पॉलिटिकल में जस्टिस है, हाँ हमारे 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, वो अफसोस है कि वो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो किसी पार्टी के नुमाइंदे होते हैं, वो हमारे समाज के नुमाइंदे नहीं होते हैं। पर आज भी सोशली और इकोनॉमिकली जो है वो जस्टिस नहीं है देश के अंदर, क्योंकि समाज में आज भी ऊंच नीच है, आज भी हायरार्की जो बना रखी है उसको कुछ लोग स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं, और हम जैसे लोग उसको ख़त्म करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि समाज में भाईचारा बना होना चाहिए, समता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर जब तक ये नहीं होगा, जब तक समाज में कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, अपने अधिकारों के लिए लड़ें और ऐसे लोगों को भूतोड़ जवाब दें। ऐसे लोगों को जब तक आप जवाब नहीं देंगे ऐसे लोगों को, जब तक बात बनने वाली नहीं है। FIR होनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, और जितने भी वकील लोग हैं हमारे समाज के, उनको ऐसी जो घटना है उनमें संज्ञान लेना चाहिए और खुद जाकर FIR करनी चाहिए। वैसे तो प्रशासन को इशू मोटो लेना चाहिए इसमें, जो लिया भी है प्रशासन ने, तो अगर प्रशासन नहीं लेता इशू मोटो तो वकीलों को इसमें पहल करनी चाहिए और वकीलों को ऐसे लोगों के नाकों में नकेल डालना चाहिए। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।